अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रोटॉनिक्स में आप सबको खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक सर्किट जो कि बहुत ही सिंपल सा है। बस कुछ ही कंपोनेंट चाहिए उसके लिए, वो है एक डीसी मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स में चलाने वाला सर्किट। सर्किट बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और किसी भी मोटर को हम जो भी डीसी मोटर होगा उसको हम फॉरवर्ड रिवर्स में इस सर्किट के थ्रू चला सकते हैं। तो सर्किट को बनाने के लिए हमें जो कंपोनेंट चाहिए, दो रिले, आप 12 वोल्ट की दो रिले ले सकते हैं। मैं 12 वोल्ट की मोटर लगाऊंगा तो उसके साथ मैं दो रिले ले रहा हूं। ये वाली दो रिले चाहिए, यूज़ रिले है मेरे पास तो मैं इन्हीं को यूज़ करूंगा दोबारा। और इसके साथ चाहिए एक मोटर 12 वोल्ट की, आप कोई सी भी 12 वोल्ट वाली मोटर ले सकते हैं, इवन आप 5 वोल्ट वाली मोटर भी ले सकते हैं। बस उसके लिए जो रिले आप लगाएंगे वो 6 वोल्ट वाली या फिर 5 वोल्ट वाली रिले लगाएंगे। और इसके साथ मैं लूँगा एक स्विच, टू वे स्विच हो गए हैं। तो बस यही कंपोनेंट हमें चाहिए इस मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स में चलाने के लिए। तो चले सर्किट को बनाने से पहले हम सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं। सर्किट डायग्राम में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो दो रिले हैं, ठीक है, ये मैं दो रिले बना रहा हूँ, रिले वन और रिले टू। सबको पता है कि इसके अंदर 5 टर्मिनल्स होते हैं। ये वाला पॉइंट नॉर्मली क्लोज होता है, ये वाला पॉइंट नॉर्मली ओपन होता है, ये वाला पॉइंट कॉमन होता है और ये सप्लाई के लिए, यानी कि जो कॉइल की सप्लाई होती है रिले की, इसके पॉइंट हो गए। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी हम बनाएंगे। अब हमें कनेक्ट किस तरह से इनको करना है, तो कनेक्ट हम यूँ करेंगे कि जो नेगेटिव वायर होगी हमारे पास, तो हम उस नेगेटिव को पहले कनेक्ट करेंगे इस वाले टर्मिनल पर रिले के, जो नॉर्मली ओपन टर्मिनल है यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से लेते हुए जाएंगे हम इस वाले रिले के नॉर्मली ओपन टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब इससे हम जाएंगे इस वाले पॉइंट से जो रिले है, इस वाले पॉइंट पे हम एक नेगेटिव टर्मिनल दे देंगे और इसके साथ ही हम इस वाले पॉइंट पर भी इसको एक नेगेटिव टर्मिनल दे देंगे। तो हम कहीं से भी, फिर किसी भी पॉइंट से हम नेगेटिव लगा सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, यह हो जाएगा नेगेटिव। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम पॉजिटिव टर्मिनल की बात करते हैं, तो पॉजिटिव को हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे। ये है मेरे पास टू वे स्विच, ठीक है, और यहाँ मैं बना देता हूँ मोटर। मोटर के होते हैं ये दो टर्मिनल, यहाँ लिख देता हूँ मैं स्विच मोटर। तो पॉजिटिव को हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे कि जो पॉजिटिव का पॉइंट होगा सबसे पहले वो आएगा यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे। यहाँ से मैं कनेक्ट करूँगा पॉजिटिव। अब जो इसका एक पॉइंट जाएगा यहाँ से पॉजिटिव वाला, इस रिले के पॉइंट पे जाएगा, और जो दूसरा वाला पॉइंट जाएगा वो जाएगा इस रिले के इस वाले पॉइंट पे। अब जो ये जो दो पॉइंट बच गए हमारे पास, एक ये कॉमन पॉइंट, एक ये कॉमन पॉइंट, तो इस कॉमन पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो कॉमन टर्मिनल है, एक ये मैं ले आता हूँ यहाँ से इधर को, और यहाँ मैं ये इस तरह से बना देता हूँ ताकि ये वाज़े रहे कि ये अलग पॉइंट है। और इस तरह से मैं ये भी बना देता हूँ, ये हो जाएंगे इस तरह से। तो ये कनेक्शन हो गए मोटर के, इस तरह से ये स्विच के 12 वोल्ट यहाँ पर। इसको थोड़ा सा और वाजे कर देता हूँ, ये मैं यहाँ पर 12 वोल्ट पॉजिटिव लिख देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस वाले पॉइंट पर है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो बस यही सर्किट है हमारा और इसी सर्किट को हम बनाएंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है, आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। तो इसी तरह से अब हम इस सर्किट को बनाते हैं और इसको हम कनेक्ट करते हैं फिर इस मोटर के साथ, और मैं इसको ऑन ऑफ करके आपको चेक कराऊंगा। तो चलिए फिर मैं इसकी सोल्डरिंग करके आप लोगों को चेक कराता हूं, क्योंकि अगर मैं अभी सोल्डरिंग दिखाऊंगा इस वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए मैं सोल्डरिंग करके आप लोगों से मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स देखें, ये सर्किट मैंने कम्प्लीट कर दिया है। तो ये वाला पॉइंट मैं भूल गया था, तो इसको भी आपने कनेक्ट करना है। तो चले बस, अब सर्किट ये कंप्लीट हो चुका है, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। आप मोटर की रोटेशन देखिएगा, तो मैं इसको ये 12 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करूँगा। मैं मोटर थोड़ा सा पकड़ लेता हूँ क्योंकि ये इनिशियली
जर्क मारती है ये मोटर। देखे फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं इसकी रोटेशन। अब मैं अगर स्विच को ऑफ करता हूँ दूसरी तरफ, इसको वापसी से चेंज करता हूँ तो देखें मोटर इस तरफ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन घूम रही है। देखें देखे फ्रेंड्स, ये भी उस तरफ को घूम रही है। मैं जैसे ही इसकी स्विच को चेंज करता हूँ, देखिए इस तरफ घूमना शुरू हो गई। ये देखिए इस तरफ घूमना शुरू हो गई। मोटर को मुझे पकड़नी पड़ रही है क्योंकि मोटर जर्क मार रही है इनिशियली। तो इस तरह से ये वर्क करती है और ये सर्किट बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग है ये सर्किट। तो फ्रेंड्स ये है सर्किट और ये मैंने बना दिया, आप लोगों को फिज़िकली चेक भी करा दिया है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़बरदस्त ये सर्किट है, वर्क बहुत अच्छे से करता है। बस सिर्फ दो रिले, एक स्विच और एक मोटर, और बस सिर्फ 12 वोल्ट की सप्लाई, इन्हीं कंपोनेंट से हमने ये डीसी मोटर के फॉरवर्ड और रिवर्स का ये सर्किट बना लिया था। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।